वेलकम टू फोनलेस दोस्तों। तो आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे लैपटॉप की जो गेमर्स के लिए एक धमाका है, वीडियो एडिटर्स के लिए एक पटाखा है, और एक डेवलपर के लिए और वर्ड नहीं बचा मेरे पास। लेकिन हाँ, ये दमदार लैपटॉप है यार। ये मैं डायरेक्ट ही दमदार कैसे बोल रहा हूँ, क्योंकि मैंने इसे एक मंथ से ज्यादा यूज किया, उसके बाद आपके पास वीडियो ला रहा हूँ। मैंने हर पैमाने पर इसे टेस्ट किया, उसके बाद आपके पास वीडियो ला रहा हूँ। तो भाई साहब, अगर आप 50 से 60 के रेंज में एक बेहतरीन लैपटॉप चाह रहे हैं, यानी बजट आपका इतना है और आप चाह रहे हैं अपने करियर में एक नई उछाल पाने के लिए, लाइक आप फ्रीलांसिंग करना चाहते हैं, वीडियो एडिटिंग करना चाहते हैं, डेवलपमेंट कोडिंग वगैरह वगैरह करना चाहते हैं, साथ ही साथ गेमिंग, भाई गेमिंग अगर करना चाहते हैं, चाहे आप स्ट्रीमिंग ही क्यों ना करना चाहें, सारी चीजें एक ही लैपटॉप में। और ये क्यों है एक बेस्ट ऑप्शन गेमिंग और प्रोडक्टिविटी के लिए, ये जानेंगे हम। सो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले बात करते हैं डिजाइन और बिल्ड क्वालिटी। ये लैपटॉप एक रॉबस्ट और ड्यूरेबल डिजाइन के साथ आता है, और टफ TUF टफ ASUS टफ F17, ठीक है, ये TUF वाला टफ है, लेकिन इसकी बॉडी TOUGH वाला टफ है, यानी बॉडी काफी मजेदार है भाई। मिलिट्री ग्रेड MIL STD 810H स्टैंडर्ड्स को मीट करता है। अब मिलिट्री ग्रेड क्या होता है, मतलब कि आप इसे ऊपर से दबाएंगे तो भी इसके अंदर के माल में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अब इसकी वजह से तुम उसके ऊपर 10 किलो 12 किलो का बटखारा मत डालने लगना यार। एक 17.3 इंच का बड़ा डिस्प्ले है, जो फुल HD रिजोल्यूशन 1920x1080 पिक्सल्स और 144 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ आता है भाई। परफेक्ट है गेमिंग और मल्टीमीडिया एक्सपीरियंस के लिए, और यही वजह है कि मैंने इसे टेस्ट किया था गेमिंग प्लस वीडियो एडिटिंग में, और ये काफी खरा उतरा। इवन ये मेरे ASUS के ROG Strix, जो कि है भाई साहब ROG, मैं इसलिए बोल रहा हूं, ROG को ROG बोलने में मजा आता है, वो 90,000 वाले लैपटॉप को कम्पीट कर रहा था बहुत ही बेहतरीन तरीके से, ठीक है। अब बात करते हैं स्पेसिफिकेशंस की। तो हमने जो मॉडल बाय किया वो है ASUS TUF F17। इसमें मिलता है इंटेल का 11th जेन कोर i5 प्रोसेसर, जो 2.9 GHz पर क्लॉक्ड है। इसके साथ आपको मिलती है 16 GB की DDR4 RAM, जो 3200 MHz की स्पीड पे चलती है, और मल्टीटास्किंग और गेमिंग दोनों स्मूथ रहेगी। इसके अलावा लैपटॉप में 512 GB का NVMe SSD स्टोरेज है, जो फास्ट बूट टाइम्स और क्विक गेम लोड टाइम्स प्रोवाइड करता है। बूटिंग में आपको इंतजार नहीं करना पड़ेगा, ब्राउजिंग में आपको इंतजार नहीं करना पड़ेगा। पोर्ट्स की बात करें तो यहाँ पर आपको मिलता है 3 USB 3.0 पोर्ट्स, एक HDMI पोर्ट और ब्लूटूथ 5.1, Wi-Fi 6 कनेक्टिविटी, और भूलें कैसे भाई साहब, थंडरबोल्ट भी आपको मिल जाता है इसमें। गेमिंग के लिए ये लैपटॉप काफी पावरफुल है, थैंक्स टू NVIDIA GeForce RTX 2050 ग्राफिक्स कार्ड, जिसकी कीमत आप जानते हैं कितना है, मुझे लगता है 35,000 तो सिर्फ ग्राफिक्स कार्ड का है भाई। 4GB DDR6 V RAM के साथ हाई सेटिंग्स पर भी आप लेटेस्ट गेम्स को इजिली रन कर सकते हैं, और 144 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट आपको डिस्प्ले में एक बटरी स्मूथ विजुअल एक्सपीरियंस प्रोवाइड करता है। अब देखो, मैं बता देता हूँ आपको कि आगे मैं आपको कोडिंग करके, रेंडर करके, एमुलेटर रन करके, और साथ ही साथ वीडियो एडिटिंग का रेंडरिंग करके दिखाऊंगा, गेम आपको खेल करके दिखाऊंगा कि नहीं वो लास्ट में बताऊंगा भाई साहब, क्योंकि मेरा जो है ना रिकॉर्ड करने वाला बंदा बड़ा आलसी था, बोला कि इतना मस्त चल रहा है भैया, अब मैं क्या रिकॉर्ड करके दिखाऊं आपको वो, और मुझे वक्त मिला नहीं, मैंने रिकॉर्ड किया लेकिन उसे एम्बेड किया नहीं, ठीक है। खैर, आपको ए टू जेड डिटेल्स मिलने वाला, आगे कुछ डेमोज भी मिलेंगे, टेंशन नहीं लीजिएगा। अब कूलिंग सिस्टम को कैसे भूल सकते हैं भाई, सारे बेवफा निकलेंगे, लेकिन कूलिंग सिस्टम हमेशा आपके लैपटॉप को कूल रखेगा। काफी इंप्रेसिव है कूलिंग सिस्टम, डुअल फैन डिजाइन और सेल्फ क्लीनिंग एंटी डस्ट टेक्नोलॉजी इंश्योर करती है कि लैपटॉप कूल रहे इवन ड्यूरिंग इंटेंस गेमिंग सेशन। अब मैंने फोन से कुछ रिकॉर्ड किया है, क्योंकि इसमें स्क्रीन रिकॉर्डर मुझे लोड करने में काफी लग रहा था, वो क्या कहते हैं, मेहनत लग रही थी भाई साहब, ऑलरेडी बहुत मेहनत हो चुकी थी, गिम्बल कसना, कैमरा कसना, उठाना, इधर शूट करना, उधर शूट करना, तो ये समझ लीजिए आप, मैंने फोन से यहाँ पर लगा के कर दिया। अब देखिए सैंपल आपके सामने है फोन के माइक से। ये मैंने फिल्मोरा ओपन कर रखा है, और फिल्मोरा क्यों ओपन कर रखा है आपको बस मैं 4K 100fps का वीडियो चला करके दिखाऊंगा फिल्मोरा के अंदर इफेक्ट्स मार के, और आपको पता चल जाएगा कि इसमें अटकता है या फिर नहीं, ठीक है। अब आप कहेंगे फिल्मोरा में दिखाओगे भाई तो कैसे काम चलेगा, प्रीमियर प्रो में दिखाओ, तो मेरे भाई ये जान लो कि फिल्मोरा कम ऑप्टिमाइज्ड है प्रीमियर प्रो से, इसका मतलब फिल्मोरा का इफेक्ट CPU पर थोड़ा ज्यादा पड़ता है, ठीक है, यानी फिल्मोरा लोड ज्यादा देता है प्रीमियर प्रो के मुकाबले। अब 4K वीडियो अगर आपका फिल्मोरा में चल रहा है वो भी इफेक्ट्स वगैरह मार के आराम से, तो समझ लीजिए प्रीमियर प्रो में 100% चलेगा, ठीक है।
फिल्मोरा में अगर अटक के भी चल रहा है तो प्रीमियर प्रो में स्मूथ चलेगा। और यहाँ पर मैंने फुल क्वालिटी रखा है चूज, कोई हाफ नहीं है। यहाँ पर ये रेंडर लोड हो चुका है, तो एक बार लोडेड में चला के दिखा देता हूँ आपको और एक बार बिना लोडेड में। ये मैंने शूट किया था गोप्रो से, और पता है आपको कि गोप्रो के वीडियोस फोन में एडिट आसानी से नहीं होंगे, अगर 4K है होना मुश्किल है जब तक उसे कन्वर्ट ना करो। और लो एंड पीसी लाइक 30,000 वाले रेंज में नहीं होता ये। ये बड़ा सा स्क्रीन मिल जा रहा है आपको, आप आसानी से एडिट कर सकते हैं। चलिए मैं वीडियो को प्ले करता हूँ। तो आपने देखा कि एकदम स्मूथ यार, बड़ा ही ज़बरदस्त है। ये तो फ़ोन में आपको ऐसा दिख रहा है, लेकिन यहाँ पर जो क्वालिटी आ रही है वो बड़ा ही लाजवाब आ रहा है भाई। 52,000-53,000 वाले रेंज के लैपटॉप में आपको ये दमदार ग्राफिक्स मिल रहा है। ये क्यों हो पा रहा है? ये इसलिए हो पा रहा है, ये देखो, फाइल में जाएंगे हम लोग, प्रिफरेंसेज, परफॉर्मेंस, GeForce RTX 2050, इसके वजह से हो रहा है। ग्राफिक्स बड़ा ही दमदार है मेरे भाई। यहाँ तक कि ROG के सीरीज में ग्राफिक्स थोड़ा कमज़ोर वाला था GTX का, लेकिन इसमें जो है बड़ा ही हैवी। सिर्फ ग्राफिक्स की कीमत को देखेंगे तो इसके इस लैपटॉप के आधे से ज़्यादा सिर्फ ग्राफिक्स का रेट है भाई, ठीक है। तो समझ लो आपको वीडियो रेटिंग ज़बरदस्त मिलने वाली है। इसमें आप इफेक्ट्स वगैरह भी डाल दें, प्रीमियर प्रो में यूज़ करें, आप कहीं भी यूज़ करें, अल्ट्रा की, क्रोमा की, जो लगाना है लगाते रहें, ढेर सारे क्लिप्स लगाएं। मुझे नहीं लगता है कि परफॉर्मेंस पे ज़्यादा अफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि जब 4K वीडियो, इतना हाई रिजोल्यूशन वाला वीडियो इतना स्मूथ चल रहा है, तो फिर आई थिंक दिस लैपटॉप हैज़ लॉट्स ऑफ पावर, ठीक है। बजट में वीडियो एडिटिंग आप 100% शुरू कर सकते हैं। अगर आप प्रोग्रामिंग में हैं, एंड्रॉयड प्रोग्रामिंग या फिर किसी भी IDE पर काम करते हैं, तो वो भी आप कर सकते हैं। एंड्रॉयड स्टूडियो भी मैंने चलाया एंड एम्यूलेटर भी हमने चलाया, वो भी ज़बरदस्त काम किया। ये हो रहा है एंड्रॉयड स्टूडियो ऑन, देख सकते हैं स्टार्टअप कितना फास्ट था। देखें यहाँ पर फिल्मोरा भी चल रहा है, 4K का वीडियो भी चल रहा है, और यहाँ पर हमारा ये लोड भी हो गया है, देख सकते हैं प्रोजेक्ट, ठीक है, कंप्लीट प्रोजेक्ट लोड है। हाँ, ये बेसिक प्रोजेक्ट है, हार्ड वाले प्रोजेक्ट में ज़्यादा रहेगा माल, लेकिन इसके स्पीड को देख करके मेरे को अंदाज़ा मिल गया कि भाई साहब कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। चलिए एम्यूलेटर तो हार्ड चीज़ है भाई, ये आप लोग जानते हैं अगर आप प्रोग्रामर हैं। तो ये ऑन हो रहा है एम्यूलेटर। यहाँ से हम लोग डिवाइस मैनेजर में जाएंगे, रनिंग डिवाइसेस में जाएंगे, और ये एम्यूलेटर से कनेक्ट हो रहा है। वेट करते हैं, 2:40 हुआ है अभी, वेटिंग फॉर ऑल टारगेट डिवाइस टू कम ऑनलाइन। ये आने के बाद देखते हैं कितना टाइम लेता है। और ये हमारा एम्यूलेटर आ चुका है, ठीक है, अभी ऑन हो रहा है। शायद मैंने इसे कोल्ड बूट मोड पर, क्विक बूट पर नहीं रखा था, ये कोल्ड मोड पर था शायद, इस वजह से ये फिर से ऑन हो रहा है, ठीक है। और अच्छा, ये इसका सेटिंग खुल गया यहाँ पर। फिर भी बहुत फास्ट ओपन हुआ भाई, मैंने ROG में भी चलाया, इतना फास्ट नहीं ओपन होता है जितना कि इसमें हो गया। अब ये लॉन्च हो रहा है, इसमें देखिए ऐप लॉन्च हो रहा है, ये ऐप भी लॉन्च हो गया, यानी प्रोग्रामिंग में भी आपको अच्छा खासा मिलने वाला है भाई स्पीड, ठीक है। तो आपने देखा एम्यूलेटर कितना फास्ट ऑन हो गया। अब यहां से अगर एम्यूलेटर को ऑपरेट करें तो एम्यूलेटर अच्छा फास्ट काम कर रहा है भाई, देख सकते हैं आप, इसके स्पीड ऑलमोस्ट इमीडिएट है भाई, इमीडिएट। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इसका ग्राफिक्स कार्ड बहुत ही दमदार काम कर रहा है, हर प्रोसेस को फास्ट बना रहा है। अब साथ में फिल्मोरा भी ऑन है, साथ में 4K वीडियो भी चल रहा स्मूथ, और साथ ही में आप इधर एंड्रॉयड डेवलपमेंट भी कर सकते हैं। तो आप बताइए भाई और क्या चाहिए। मुझे लग रहा है ये पावर पैक PC है, लैपटॉप है, पर्सनल कंप्यूटर भी बोल सकते हैं। तो दोस्तों, ओवरऑल ये सुस्टफ गेमिंग F17 एक अमेजिंग पैकेज ऑफर करता है, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, बेस्ट बाय लिंक, वहां से आप परचेज कर सकते हैं। साथ ही साथ बड़ी स्क्रीन, पावरफुल हार्डवेयर और रिलायबल बिल्ड क्वालिटी, ये सब मिलकर इसे एक ग्रेट चॉइस बनाते हैं फॉर गेमर्स एंड प्रोफेशनल लाइक, यानी डेवलपर्स, वीडियो एडिटर्स, या फिर जिनको सिर्फ प्रोडक्टिविटी चाहिए भाई साहब। प्रोडक्टिविटी, रिप्रोडक्टिविटी नहीं बात कर रहा हूं, प्रोडक्टिविटी। अगर आप एक ऐसा लैपटॉप ढूंढ रहे हैं जो परफॉर्मेंस और ड्यूरेबिलिटी दोनों प्रोवाइड करे, तो ये एक स्ट्रांग कंटेंडर है, यानी इसे आप डेफिनेटली बाय कर सकते हैं अगर आपका रेंज बजट का 50-60 के बीच है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें फॉर मोर टेक रिव्यूज एंड टेक से रिलेटेड अच्छी वीडियोस। कमेंट में बताएं आपके थॉट्स इस लैपटॉप के बारे में, कोई कंफ्यूजन हो तो ये भी पूछें, और चूंकि मेरे पास है तो आपके लिए एक कस्टमर सपोर्ट भी मैं बन जाता हूं कभी कभी, कोई कॉमन से बीमारी या फिर लैपटॉप में कुछ ऐसा होता है तो मैं उसके फिक्सेस भी ला देता हूं। तो आप इसे बाय करेंगे तो आप सेफ हैंड में रहेंगे, लेकिन मैं बिल्कुल नहीं कह रहा हूं कि मैं आपके घर में आके कुछ ठीक करूंगा, मैं जो ट्यूटोरियल डालूंगा शायद वो आपके टच में आ जाए, ठीक है। क्योंकि एक पिछला लाइट वाला एक ट्यूटोरियल मैंने डाला था, उसका बंद हो गया था लाइट, तो कैसे ऑन करना है, तो उससे बहुत सारे लोगों ने देखा, सबका सब पॉजिटिव कमेंट,
तो इससे पता चलता है कि फोनलेस के कंटेंट में दम है, भले ही कम वीडियोस आए लेकिन जब भी आते हैं तो यूजफुल काफी यूजफुल होते हैं, और साथ ही साथ व्यूज भले ही कम आते हैं लेकिन जब भी आते हैं तो बहुत ही पॉजिटिव इंपैक्ट करता है। इसे बाय करना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, और और आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में, ठीक है? बार बार एक ही लाइन घूम रहा है भाई साहब, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, नए हैं तो ज्यादा फास्ट बोल दिया हूं तो माफी चाहता हूं यार।